नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TDS के बारे में, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चली गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि TDS क्या होता है और TDS जो है किसको देना पड़ता है और TDS जो है कितने तरह के पेमेंट पर लागू होता है, कितने तरह के पेमेंट पर कटता है मतलब कि, और उसके बाद देखेंगे कि TDS क्यों काटा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि फॉर्म 26AS क्या होता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि TDS क्या होता है। TDS के बारे में मैं आपको एक साधारण सी परिभाषा बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? आपकी इनकम का कुछ भाग, यानी कि हमारी जो इनकम है उसका कुछ प्रतिशत जो हमें इनकम प्रदान करता है करने वाली जो संस्था है वो क्या है, उसमें से कुछ प्रतिशत हिस्सा क्या है काट लेती है। अब जो प्रतिशत हिस्सा वो काटती है उसे ही बोलते हैं TDS। ठीक है, और जो संस्था है ये कुछ प्रतिशत हिस्सा काटती है वो उस पैसे को डायरेक्ट क्या करती है, सरकार को जमा करा देती है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम TDS। अब इसे एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि अच्छे तरह से आपको जो है इस क्लियर हो जाए कि TDS क्या होता है आखिर। ठीक है, तो उदाहरण एक है कि साइन प्राइवेट लिमिटेड संपत्ति के मालिक को प्रति माह 80,000 रुपये कार्यालय का किराया भुगतान करता है। 80,000 रुपये का जो है उसका जो कार्यालय है उसका भुगतान करता है वो, और उसमें से क्या है कि TDS को 10% घटाया जाना आवश्यक है। अब जो 80,000 रुपये वो देता है उसमें से वो 10% TDS भी देता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? साइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 8,000 रुपये का TDS कटाना होगा और संपत्ति के मालिक को 72,000 रुपये का भुगतान करना होगा। इस प्रकार आय के प्राप्तकर्ता यानी कि उपभोक्ता मामले में संपत्ति के मालिक को स्रोत पर कर की कटौती के बाद 72,000 रुपये की शुद्ध राशि प्राप्त होगी। ठीक है, वह अपनी आय के सकल राशि यानी कि 80,000 रुपये जोड़ देगा और पहले से ही काटे गई राशि का लाभ ले सकता है। आप समझते हैं कि TDS रिफंड भी होता है, यानी कि TDS को हम रिफंड कैसे कर सकते हैं और किस कंडीशन में हमें रिफंड करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, TDS काटने वाली संस्था से TDS कटाने वाले व्यक्ति को फॉर्म 16 या फिर 16A सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि जो भी हमारे TDS कटने से संबंधित जानकारियां होती हैं वो सारी इसके अंदर दर्ज होती हैं। ठीक है, और कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि TDS उनका भी काट लिया जाता है जिनकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जिस व्यक्ति का जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है वह इससे संबंधित असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके TDS को रिफंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल देखिए, माना आपकी सैलरी से इनकम है सालाना 2,50,000 रुपये, लेकिन आपका TDS कट गया है, तो आप अपने कटे हुए पैसे को वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ITR रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आपके TDS के पैसे काटे गए हैं वो वापस मिल जाएंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि TDS कितने तरह के पेमेंट पर काटा जाता है, यानी कि जो कौन सी चीज़ों के बारे ऊपर हमारे क्या है TDS काटी जाती है, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी जो सैलरी होती है उसके ऊपर भी TDS काटा जाता है, उसके बाद ब्याज के ऊपर यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर TDS काटा जाता है, लाभांश के ऊपर TDS काटा जाता है, कमीशन के ऊपर TDS काटा जाता है, प्रोफेशनल फीस के ऊपर TDS काटा जाता है, और किसी भी तरह का जो किराया होता है, जैसे कि मैंने आपको एक पीछे एग्जांपल भी बताया था, तो किसी भी रेंट के ऊपर TDS काटा जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट पर भी TDS काटा जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर TDS काटा जाता है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि माना आप एक कारोबारी हैं और आप अपने बिजनेस में कुछ कर्मचारियों को जोड़ रखे हैं और उनको क्या है मानसिक सैलरी देते हैं, तो उनको जब सैलरी देंगे तो उसमें से आप क्या करेंगे, कुछ प्रतिशत क्या है TDS काट लेंगे उस सैलरी से, और वो क्या कर देंगे आप डायरेक्ट क्या है सरकार को जमा करा देंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि TDS क्यों काटा जाता है। TDS क्या है ये समझने के बाद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि TDS क्यों काटा जाता है। इसका उत्तर अगर एक लाइन में देना चाहें तो देश चलाने के लिए TDS काटा जाता है।
अब मैं आपको इसको विस्तार में समझा देता हूँ। भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ के करीब है, ठीक। देश की जनता के लिए सरकार के द्वारा तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब सवाल ये होगा कि ये सुविधाएं करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? इसका जवाब होगा कि कोई भी यदि भारत में जन्म लेता है तो वो जन्म के बाद ही क्या है, टैक्स देना शुरू कर देता है, और उसी टैक्स के पैसे से ही क्या है, ये तमाम सुविधाएं मिलती हैं हमें, ठीक है। जो पैसा सरकार TDS या किसी अन्य टैक्स के जरिए हमसे लेती है, उसी पैसे को सरकार जनता की सुविधा प्रदान करने में वापस भी कर देती है हमें, यानी कि आपके द्वारा टैक्स के रूप में भरा गया पैसा सरकार देश के विकास में इन्वेस्ट कर देती है, आपको बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि फॉर्म 26S क्या होता है? अगर आपने ये समझ लिया है कि TDS क्या होता है, तो आपको ये समझना महत्वपूर्ण है कि TDS आपके पेन से कैसे जुड़ा हुआ है। TDS कटौती, कटौतीकर्ता और कटौतीकर्ता दोनों के पेन नंबर से जुड़ी होती है। यदि आपकी किसी भी आय से TDS काट लिया गया है तो आप टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S से गुजरना होगा। यह फॉर्म एक समितिकृत विवरण है जो सभी पेन धारकों के लिए उपलब्ध है। चूँकि सभी TDS आपके पेन से जुड़े होते हैं, इसीलिए ये फॉर्म आपके द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतानों के लिए प्रत्येक कटौतीकर्ता द्वारा आपकी आय पर काटे गए TDS के विवरण को सूचीबद्ध करता है, चाहे वे वेतन या ब्याज आय हो। आपके पेन से जुड़े हुई सभी TDS की रिपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। इस फॉर्म में आपके द्वारा सीधे ही आयकर का भुगतान भी किया जाता है। अग्रिम कर या स्वयं मूल्यांकन कर के रूप में, इसीलिए आपके लिए अपने पेन का सही उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ भी आपकी आय पर TDS लागू हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो वो टॉपिक्स कौन कौन से? सबसे पहले है कि TDS की फुल फॉर्म क्या होती है। TDS की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि TDS क्यों काटा जाता है। TDS इसलिए काटा जाता है क्योंकि जो भी हमें तमाम सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि जो सरकारी स्कूल्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं सरकारी, या फिर जो फुटपाथ होते हैं यानी कि रोड वगैरह होती हैं, वो क्या है, सरकार बनवाती है, और उसके अंदर जो भी खर्च लगता है वो हमारे जो कुछ हम टैक्स पे करते हैं और TDS के पैसे होते हैं, इस प्रकार से जो भी होता है वो सरकार के पास जो होता है उससे वो क्या है, हमें सुविधा देती है, इसीलिए क्या है कि टैक्स काटा जाता है। उसके बाद है कि TDS कितना प्रतिशत काटा जाता है। तरह तरह की आमदनी के लिए अलग अलग TDS दरें लागू होती हैं। अगर फिक्स डिपॉजिट पर मिला ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो आपको तो उस पर 10% की दर से TDS काटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है TDS क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। अगर किसी की कोई आय होती है तो उस आय से टैक्स काटकर अगर व्यक्ति को बाकी रकम दी जाए तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को TDS कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमें जो भी सैलरी मिलती है उसमें से कुछ प्रतिशत भाग क्या है, काट लिया जाता है और वो क्या है, सरकार को जमा करा दिया जाता है, उसे ही TDS कहते हैं। उसके बाद है कि TDS क्यों लगाया जाता है। उसका जवाब है एक टैक्स का अनिवार्य शुल्क या वित्त शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। जमा हुए टैक्स की कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। कानून के मुताबिक खुद से या गलती से टैक्स भुगतान न करने पर जुर्माना या सजा मिल सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। धन्यवाद।